कि आपको लंबे समय में मोटा पैसा छापना है, बहुत ज्यादा पैसा बनाना है, अंधाधुंध पैसा बनाना है, 20-30% के रिटर्न से, मैसिव रिटर्न से पैसा बनाना है, तो आपको लिए मैं एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जिसमें इतना पैसा बन सकता है, पॉसिबल है कि आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में आपका पैसा डबल, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी हो सकता है, 100 गुना भी हो सकता है। यदि आप पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा बनेगा। जितने ज्यादा इंडिया ग्रो होगा, उतना ज्यादा इसमें पैसा बनेगा। मैं एक ऐसा स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ, तो अभी ये स्टॉक आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है 10-15% के, ये आप लोग देख सकते हो, ये अपने हाई से अभी आपको 14% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट 15% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आने वाले समय में आपका पैसा इसमें जरूर बनेगा। इसमें FIs, म्यूचुअल फंड होल्डिंग एंड सरकार, गवर्नमेंट का पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, भर भर के लगा हुआ है। तो और ये कि ये गवर्नमेंटेड स्टॉक है, तो गवर्नमेंट का स्टॉक है, तो आप इस पे ट्रस्ट भी कर सकते हैं, विश्वास भी कर सकते हैं, और इसमें तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा भी है। तो आने वाले समय पे इसमें जब ये अपना इंडिया ग्रो होगा, तो ये स्टॉक भी ग्रो होगा। एंड ये जो स्टॉक है वो डिफेंस सेक्टर का है, तो इंडिया का डिफेंस सेक्टर आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। बाहरी बाहरी देश के लोग अपने डिफेंस सेक्टर से बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट कराते हैं, अपने देश से खरीदते हैं, उसमें भी ट्रेड करते हैं, उसमें भी इंडिया को इतना ज़्यादा फायदा हो रहा है। हम सब दूसरे देश से ट्रेड करते हैं, नया नया चीज़ सीखते हैं, तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है, आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा के देगा। और एक इस स्टॉक का जो खासियत है, ये स्टॉक स्प्लिट बहुत ज़्यादा करता है। जो स्टॉक स्प्लिट करता है, यदि आप इसमें 10 क्वांटिटी खरीद लें, मान लें 10 क्वांटिटी आप इसमें बाय कर लें, 10 शेयर बाय कर लें, और ये स्टॉक आप 10-15 साल के लिए छोड़ दें, तो आगे चलकर वो 10-15 साल के अंदर ही वो कम से कम 150-200 स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक भागता है, तो सरकार इसको स्प्लिट कर देती है कि शेयर प्राइस कम हो जाए और सबको ज़्यादा स्टॉक मिल जाए, जिससे क्या हो सके, सब लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, जिसके पास एक क्वांटिटी खरीदने के लिए पैसा हो तो एक क्वांटिटी भी खरीद सकता है, तो आप लोग मान सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो कि 6 महीने के अंदर इस कंपनी ने 49% का मैसिव रिटर्न प्रोवाइड किया है, इधर आप लोग देख सकते हो। एंड मैं बात करूँ 5 साल का, एक साल का बात करूं, तो 1 साल के अंदर 103% का मैसिव रिटर्न प्रोवाइड किया। एंड 5 साल का मैं बात करूं, तो 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट आप इसको 700% का रिटर्न मान सकते हैं। तो 5 साल के अंदर 700% का रिटर्न मिला है, इसके माने आपका 100 रुपया 700 रुपया हो गए, इसमें इसके माने 700 गुना आपका पैसा बना है, 7 गुना आपका पैसा बना है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अभी ये आपको डिस्काउंट पे मिला। और मैं मैक्सिमम का बात करूँ, तो मैक्सिमम में देख सकते हो 129,172% का मैसिव रिटर्न प्रोवाइड किया। और ये कंपनी कब से चली आ रही है, 2020 से। यदि 2020 में कोई 100 रुपया भी इसमें इन्वेस्ट किया होता, तो आज माला माल हो जाता, करोड़पति हो जाता भाई लोग। और ये स्टॉक अभी और ज़्यादा भागेगा, अभी जितने ज़्यादा आपको डिस्काउंट पे मिले, उतना ज़्यादा इसमें क्वांटिटी आप बाय करके होल्ड करें, और इस स्टॉक को भूल जाएं लॉन्ग टर्म के लिए। आपने बुढ़ापे के लिए भी भूल सकते हैं इस स्टॉक को, यदि आप 25 या 26 ईयर के हों, तो इसमें कम से कम 10,000 रुपया लगा के इसको भूल ही जाओ। एंड मैं कंपनी का बात करूं कि ये कंपनी कौन सी है, तो आप लोग देख सकते हो, इधर कंपनी का नाम पढ़ सकते हो आप लोग, मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूं, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। तो ये कंपनी का नाम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, शॉर्टकट में। वेल, आप इसे गूगल पे टाइप करके फर्दर रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो।